नमस्कार हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स वेल गाइस ये वीडियो काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं एक तो मैंने सोचा आज बना ही देती हूँ इतनी सारी शेंगिन कंट्रीज घूमने के बाद ये वीडियो आप सबके काम आएगी गाइस स्पेशली उन सबके लिए जो पहली बार शेंगीन वीजा लगवाने का सोच रहे हैं ट्यूरिस्ट शेंगिन वीजा अप्लाई करने का सोच रहे हैं गाइज तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से कौन से कंट्रीज के वीजाज इजी हैं और कौन सी कौन सी कंट्रीज के डिफिकल्ट हैं हम बात करेंगे शेंगन जोन वीजाज की ही सिर्फ शेंगन की सिर्फ कंट्रीज कंट्रीज कि कौन से शेंगन है वीजा मिलने में और कौन सी डिफिकल्ट सो गाइज अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन वॉट आर यू वेटिंग फॉर सब्सक्राइब माई चैनल नाउ और गाइस इस वीडियो में ना मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप मोस्ट डिफिकल्ट शेंगिन कंट्री का भी यू you नो know, कैसे जा सकते हैं उसका वीजा अगर नहीं भी लगता है तो भी कैसे जा सकते हैं मोस्ट डिफिकल्ट शेंगेन कंट्री तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए Well guys, हम पूरी एक लंबी लिस्ट की बात तो नहीं करेंगे कि कितनी कंट्रीज के लाइन सबसे इजी कौन सी है फिर कौन सी है बट हम मोटा मोटा बात करेंगे कि कौन सी मेन मेन चार से पांच कंट्रीज हैं जो इजी हैं और चार से पांच कंट्रीज हैं जो डिफिकल्ट है तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले डिफिकल्ट कंट्री ऑफ गेटिंग अ टूरिस्ट शेंग वीजा सो गाइज सबसे पहले कंट्री है माल्टा वेल माल्टा का सबसे डिफिकल्ट माना जाता है शेंगेन वीजा स्पेशली शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा इसका रिजेक्शन रेट करीब करीब 37 परसेंट है uh, मालता वैसे तो बहुत सुंदर जगह है और uh, क्या होता है कि इम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से और काफ़ी थोड़े बहुत ना किसी किसी कंट्रीज के कॉम्प्लेक्स रहते हैं वीजा एप्लीकेशन वगैरह तो कभी कभी कन्फ्यूजन वगैरह में नॉर्मली एप्लीकेट्स क्या करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन मिस आउट कर देते हैं कुछ आ, उनसे यू you नो know, वो हो जाते हैं इनकम्प्लीट होती हैं कुछ कभी कभार गलत लिख देते हैं लिखना कुछ और होता है और वो मिसअरस्टैंड कर लेते हैं उस क्वेरी को और कुछ और लिख लेते हैं सो इस रीजन की वजह से uh, कई बार वीजा रिजेक्ट हो जाता है और माल्टा का वीजा एक ऐसा वीजा है जो काफी डिफिकल्ट होता है लेने में अः बट येस अगर आपके यू you नो know, सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हैं और आपने यू you नो know, अच्छे से आ, सारे उनके पढ़े हैं कि उनको आप क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायर्ड है और आपने पूरे उनकी लिस्ट के अकॉर्डिंग वीजा अप्लाई किया है तो आपको वीजा मिल जाएगा रिजेक्ट नहीं होगा दूसरी शेंगेन कंट्री है गाइस एस्टोनिया वेल एस्टोनिया आपने सुना होगा फोटोज भी देखी होंगी इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी अपीलिंग बट यहाँ का जो रिजेक्शन रेट है गाइज वो अराउंड थर्टी थ्री थर्टी फोर परसेंट के करीब है यहाँ का जो वीजा है वो इसीलिए रिजेक्ट होता है क्योंकि इसका भी मालका की तरह ही डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है और कंफ्यूजिंग है तो इसीलिए मैं भी इनफैक्ट अभी तक एस्टोनिया नहीं गई हूँ बट मेरे पांच शेंगेन वीजा ऑलरेडी हैं और रिसेंटली मुझे जैसे आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी मुझे डेनमार्क का दो साल का लॉन्ग टर्म वीजा भी मिला है अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाई है प्लीज हैव अ लुक गाइस so पहला मालता था और दूसरा था एस्टोनिया तीसरा कंट्री है गाइस बेल्जियम वेल हमें ऐसा सुनने में लगता है कि बेल्जियम का बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा बट गाइज बेल्जियम का भी रिजेक्शन रेट काफी ज्यादा है वो है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन परसेंट के आसपास और बेल्जियम uh, का भी वीजा काफी लोगों का रिजेक्ट होता है स्पेशली टूरिस्ट वीजा क्योंकि वैसे तो देखिए बेल्जियम एक बहुत सुंदर जगह है और काफी टूरिस्ट प्लेस भी है क्योंकि यू you नो know, बहुत अच्छे वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स uh, हैं बहुत सारे वहाँ पे अच्छी बिल्डिंग्स हैं एंशियंट बिल्डिंग्स हैं बहुत कुछ है देखने को मैं भी बेल्जियम जा चुकी हूँ और बेल्जियम रियली इट्स लाइक रियली ब्यूटिफुल बट गाईज मैं फ्रांस से बेल्जियम गई थी इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे बट गाई बेल्जियम का भी बहुत डिफिकल्ट है वीजा मिलना क्योंकि क्या होता है मोस्टली uh, बेल्जियम में जो प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रोसेसिंग टाइम से लिखा तो गया है कि फिफ्टीन वर्किंग डेज में उनका वीजा मिल जाता है लेकिन काफी केसेस ऐसे देखे गए हैं कि फिफ्टीन डेज में भी कई बार वीजा नहीं आया है तो प्रोसेसिंग टाइम की वजह से भी उसका रिजेक्शन रेट बढ़ जाता है और डॉक्यूमेंट भी एक काफी बड़ी दिक्कत है डॉक्यूमेंटेशन भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है बेल्जियम के लिए तो इस रीजन से भी वीजा यू नो रिजेक्ट होता है फोर्थ है गाइस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो कि uh, हो गई स्वीडन या फिर डेनमार्क डेनमार्क का फिर भी अप्रूवल रेट है लेकिन स्वीडन का काफी डिफिकल्ट माना जाता है डेनमार्क से ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है वेल well, मैं रिसेंटली अभी कुछ महीने पहले ही मैं डेनमार्क और स्वीडन दोनों घूम के आई हूँ बहुत 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 सुंदर जगह है और मुझे डेनमार्क का ही लॉन्ग टर्म वीजा मिला है uh, मैंने पूरी डेनमार्क की सीरीज लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है अगर आपने नहीं देखी है यू कैन हैव अ लुक बहुत सुंदर है गाइज लेकिन वीजा थोड़ा डिफिकल्ट इनफैक्ट मेरे ऑलरेडी यू नो चार वीजाज लगे हुए थे शेंगिन वीजा लेकिन मैं फिर भी डेनमार्क वीजा के टाइम पर डर रही थी स्पेशली जब मुझे याद है जब मेरा वीजा का रिजल्ट आया था और जब मैं वो ऑन खोल रही थी और जब मैंने देखा कि मेरे पूरे एप्लीकेशन फॉर्म्स उसमें हैं तो आई वाज लाइक आई वाज टोटली स्केयर्ड क्योंकि मुझे इतना पता था कि जब रिजेक्शन होता है तो एक लेटर आता है साथ में और बड़े उसमें लेटर्स थे तो मुझे लगा शिफ्ट मेरा वीजा हो गया रिजेक्ट लेकिन फिर आई रियलाइज कि नहीं मेरा वीजा एक्सेप्ट हो गया बल्कि दो साल का वीजा लग गया है और जो पेपर्स थे वो उनका ना लाइक like, फॉर्मेलिटी होती है उनकी वो वापस रिटर्न कर देते हैं सारे पे बट एनी वे डेनमार्क या स्वीडन स्पेशली स्वीडन का बहुत डिफिकल्ट होता है वीजा बिकॉज uh, एक तो यू you नो know, वहाँ पे कम लोग जाते हैं प्रॉबर् कम लोग भी इसलिए जाते हैं क्योंकि एक फर्स्ट वो बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है और दूसरा वीजा मिलता बहुत मुश्किल से बिकॉज बहुत स्ट्रिक्ट कंट्री है वो और उसके ना उस कंट्री के डॉक्यूमेंटेशन भी कॉम्प्लेक्स है बाकी सारी कंट्रीज के जैसे तो इसीलिए भी स्वीडन का वीजा होता है रिजेक्ट इसके बाद गाइस फिफ्थ कंट्री में कहूंगी जर्मनी जर्मनी तो मेरा खुद का ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वैसे थैंकफुली लकीली मेरा जर्मनी का वीजा लग गया था आ, मैं जर्मनी भी गई थी बहुत सुंदर जगह है लेकिन यू नो जर्मनी में बहुत ज्यादा क्राउड आता है मतलब जर्मनी में इतनी एप्लीकेशन आती हैं वहां के अपॉइंटमेंट स्लॉट भी नहीं मिलते अगर आप आज अभी जाके वी में चेक करोगे ऑनलाइन उनका चेक करोगे अपॉइंटमेंट तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी ही नहीं और कई बार तो एक एक दो दो महीने बाद की अपॉइंटमेंट भी मिलती है रश रश सीजन में यू नो समर सीजन जब होता है तब या फिर अक्टूबर फेस्ट होता है बहुत सारे ऐसे ऑन सीजन आते हैं उनके जो बहुत हेवीली क्राउडेड रहते हैं तो वीजा एप्लीकेशन तो बहुत लोगों की रिजेक्ट होती है मतलब जिसका डॉक्यूमेंटेशन भी पूरा ठीक हो और जिसका आप समझ लीजिए डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ अः सारे पेपर्स ठीक हो बैंक अकाउंट में भी पैसे हो, टिकट भी बुक हो तो भी गाइस यू नो हो जाता है कई बार क्योंकि ना जर्मनी uh, की जो एप्लीकेशन uh, वीजा एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल करना पड़ता है ऑनलाइन फिल करने के बाद आपको उसको प्रिंट आउट करना पड़ता है और कई बार ऑनलाइन फिलिंग में इश्यूज आते हैं प्रॉपरली यू नो लोग ऑनलाइन फिल नहीं कर पाते uh, कुछ मिस आउट कर देते हैं डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और इस वजह से भी होता है और कई बार क्या होता है क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलती है और जैसे अपॉइंटमेंट मिलती है कुछ लोगों को लगता है कि चलो अपॉइंटमेंट मिल गई मान लीजिए कल की अपॉइंटमेंट मिली है और नेक्स्ट वीक का ही आपका प्लान है जर्मनी जाने का तो कुछ लोगों को लगता है कि चलो भाई अभी अपॉइंटमेंट मिल गई हम वीजा अपना अप, अप्लाई कर लेते हैं भर देते हैं हमें नेक्स्ट नेक्स्ट वीक जाना है बट नहीं क्योंकि गाइस जर्मनी बहुत ओवरक्राउडेड जगह भी है बहुत वहाँ पे क्राउड जाता है इंडियंस बहुत जाते हैं हर तरीके के वीजा के स्टूडेंट वीजा के थ्रू जाते हैं वर्क वीजा के थ्रू जाते हैं टूरिस्ट वीजा के थ्रू जाते हैं इनफैक्ट in इंटर्नशिप वीजा के थ्रू भी जाते हैं तो गाइज इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा ना डिफिकल्ट हो जाता है एम्बेसीज को वीजा देने में क्योंकि अब आप, आप सोचो कि मतलब आप अभी कल अप्लाई कर रहे हो और आपको नेक्स्ट वीक जाना है तो आपने इसलिए अपॉइंटमेंट ले ली क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी मगर ऐसा नहीं है आपको एक प्रायर टाइम पे ही अपॉइंटमेंट लेनी है और आप कई बार तो ऐसा होता है कि वीजा ही नहीं आया लगकर और uh, पासपोर्ट ही नहीं आया मतलब और आपके जो ट्रैवल डेट्स हैं वो भी चली गई वो भी क्रॉस करी मतलब इतना लेट होता है तो आई वुड हाईली रिकमेंड जर्मनी का जब आप वीजा लगवाते हो ना तो आप कोशिश करो कि एक महीने पहले या फोर्टी फाइव डेज पहले आप अपना पूरा ये जर्मनी का जो वीजा अप्लाई का प्रोग्राम है वो आप शुरू कर दो इनफैक्ट मैं ये भी सोच रही थी कि जर्मनी का यू नो रिजेक्ट ना होशेंगे वीजा इसके क्या क्या रीजंस हैं हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे जर्मनी का वीजा हम अवॉइड करें उसकी वीडियो भी यू you नो know, मैं जल्द लेके आऊंगी जिससे हमारा रिजेक्शन अवॉइड हो बेसिकली वीजा अवॉइड नहीं रिजेक्शन अवॉइड हो है. तो मैं उसकी वीडियो भी जल्दी लेके आऊंगी और यूट्यूब चैनल पे भी मैं जल्द अपलोड करूंगी तो यस yes, गाइस जर्मनी का भी रिजेक्शन रेट काफी हाई है इसके बाद गाइस वैसे तो देखिए कुछ और भी कंट्रीज हैं जिसका वीजा रिजेक्शन रेट हाई है जहां पे अगर आप पहली बार स्पेशली पहली बार वीजा लगवाते हो तो रिजेक्ट होता है वैसे कई बार तो इन कंट्रीज में जो लोग दूसरी या तीसरी बार शेंगेन वीजा अप्लाई कर रहे हैं चौथी बार भी कर रहे हैं कभी कभार उनका भी रिजेक्ट हो जाता है इट्स नॉट लाइक कि आप पहली बार कर रहे हो तो ही रिजेक्ट होगा तो इसके जर्मनी या एस्टोनिया या बेल्जियम या फिर स्वीडन या फिर यू नो माल्टा इन सब के अलावा भी गाइज कुछ और कंट्रीज है जिनका डिफिकल्ट है जैसे हो गया फ्रांस फ्रांस का भी काफी डिफिकल्ट है रिजेक्शन रेट उसका 18 परसेंट के करीब है और इसके अलावा क्रोएशिया का भी डिफिकल्ट है फिर गाइस ग्रीस ग्रीस का भी काफी डिफिकल्ट है क्योंकि ग्रीस का क्या है उनके पास ना एम्बेसी में ज्यादा लोग ही नहीं है कि वो एक वीजा एप्लीकेशन को हैंडल कर पाए तो वैसे हमारा प्रॉब्लम नहीं है बट इन सारी प्रॉब्लम्स के वजह से भी ना वीजा रिजेक्ट होता है रिजेक्शन रेट हाई होता है डॉक्यूमेंटेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं कंट्रीज स्ट्रिक्ट होती हैं बेसी वाले उनके स्ट्रिक्ट होते हैं और इसके अलावा गाइज पोलैंड का भी काफ़ी डिफिकल्ट है आपने देखा होगा पोलैंड का तो वर्क वीजा वगैरह भी डिफिकल्ट है और इसके अलावा गाइज स्पेन का भी डिफिकल्ट है वैसे तो लोग बहुत जाते हैं घूमने स्पेन बट स्पेन का भी काफ़ी डिफिकल्ट है आ, शेंगन वीजा चलिए बात करते हैं ईजीएस्ट कंट्रीज टू गेट वीज़ा जहाँ पे यू नो ईजी मिल जाता है मतलब ईजी तो मैं ये देखो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है अगर आपके डॉक्यूमेंट मिसिंग है इनकम्प्लीट है आप गलत इंफॉर्मेशन देते हो या आपका यू you नो know, आपका वो फोकस नहीं है कि आपको टूरिस्ट के लिए जाना है आपको वहाँ सेटल होने जाना है आपका कुछ अलग फोकस है तो ये सारे रीजंस एम्बेसी से नहीं छुपते हैं एम्बेसी सारी चीजें अच्छे से पता लगा लेती है और वीजा आपका फिर भी रिजेक्ट हो सकता है चाहे ईजिएस्ट से ईजीएस्ट कंट्री अप्लाई करो शेंगे कंट्री हो या ना हो बट फिर भी गाइस कुछ ईजीएस्ट कंट्रीज हैं जहां से आप अगर फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम भी अगर शेंगेन वीजा अप्लाई करते हो तो मिल जाता है सो so पहला है गाइस आइसलैंड वेल well, आइसलैंड का ना थ्री परसेंट ही है रिजेक्शन रेट तो आइसलैंड का, का काफी इजी है कंपैरेटिवली क्योंकि आइसलैंड अब कुछ सालों से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट बन गया है वैसे तो क्राउड बहुत ज़्यादा नहीं जाता वहाँ पे, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है बट फिर भी वो अपने ना टूरिस्ट को मतलब अपने टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं इसीलिए भी उन्होंने थोड़े जो वीज़ा का जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है उसको थोड़ा तो तो ईज किया हुआ है स्ट्रीमलाइन किया हुआ है इसीलिए भी उनका रिजेक्शन रेट कम है दूसरी ईजीएसट कंट्री है गाइज स्विट्जरलैंड वेल स्विट्जरलैंड हम सब जानते हैं बचपन से जानते हैं टीवी पे देखा है वीडियोस पे देखा है अभी भी देखते हैं तो आई थिंक सबकी ड्रीम कंट्री है मेरी भी है पता नहीं कब जाऊंगी होपफुली सून बट स्विट्जरलैंड um, का भी जो हमारा वीज़ा रिजेक्शन रेट है वो कम है अराउंड सिक्स परसेंट के करीब है उसका रेट रिजेक्शन रेट क्योंकि ना स्विट्जरलैंड का जो वीज़ा प्रोसेस है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन किया हुआ है और वो बहुत हाईली यू नो टूरिस्ट गोइंग प्लेस है मतलब वहां पे हर तरीके के टूरिस्ट जाते हैं सोलो ट्रेवलर्स जाते हैं uh, हनीमून कपल्स जाते हैं फैमिली जाती है लोग पढ़ने जाते हैं uh, वर्क वीजा के लिए जाते हैं या फ्रेंड्स घूमने जाते हैं सो स्विट्ज़रलैंड इज लाइक इट्स इट्स द मोस्ट आइडियल प्लेस ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने अपने टूरिज्म को यू नो टूरिज्म का वो बहुत ख्याल रखते हैं मतलब जस्ट बिकॉज उसका रिजेक्शन रीजन रेट कम है रिजेक्शन रेट कम है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने कंट्री की देखभाल नहीं करते uh, वैसे तो वो बहुत स्ट्रिक्ट कंट्री है लेकिन uh, अपना उनका रिजेक्शन रेट कम है तो उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो थोड़ा इजियर है स्ट्रीम है अगेन आइसलैंड की तरह इसलिए वहाँ का वीज़ा मिल जाता है तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पहला या दूसरा शेंगेन वीज़ा तो आप स्विट्जरलैंड का अप्लाई कर सकते हैं तीसरा ईजिएस्ट कंट्री मैं कहूंगी गाइज़ इटली बिकॉज इटली हम सब जानते हैं इट्स अ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस इटली में बहुत सारी सिटीज़ हैं जो एक एक यू नो आइकॉनिक जगह है एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है वो अपने टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देते हैं और उनका जो एक्सेप्टेंस रेट है वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट है उनका एटी एट नाइन्टी परसेंट के करीब तो इटली भी काफ़ी फेवरेबल मानी जाती है काफ़ी फेवरेबल और पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है वहाँ का वीज़ा इतनी जल्दी रिजेक्ट नहीं होता है क्योंकि उनका जो वीज़ा प्रोसेस है जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो काफ़ी स्ट्रीम है स्ट्रीम के साथ साथ बहुत ही फेवर करते हैं और इजी तरीके से वो काम करते हैं और अगर आपका जो प्रोफाइल है आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है अगर वो जेनवन होती है तो वीज़ा आपको इजीली मिल सकता है बट मैं फिर से यही कहूंगी कि अगर आपको यू नो you know, अगर आपका एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी मिसिंग है आपका अगर पासपोर्ट में इशू है आपके अगर रिकॉर्ड में इशू है अगर आपका कवर लेटर और आइटिनरी प्रोफेशनल नहीं है तो भी गाइज आपका आ, वीजा रिजेक्ट हो सकता है चाहे वो कोई भी कंट्री हो बट गाइज ये ना ईयर टू ईयर बदलते रहते हैं कंट्रीज का जो डिफिकल्ट कंट्रीज इजिएस्ट कंट्रीज के जो रेट्स होते हैं रिजेक्शन और अप्रूवल रेट्स वो बदलते रहते हैं क्योंकि कई बार कंट्रीज अपने टूरिज्म को एक्सपैंड करने के लिए प्रमोट करने के लिए कुछ रूल्स कभी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देती है तो कभी हल्के कर देती है तो इसीलिए भी यू you नो know, ये सब बदलता रहता है बट अभी की जो इंफॉर्मेशन है वो यही है डिफ़िकल्ट कंट्रीज़ जो मैंने आपको बताई और ईजीएसट कंट्रीज़ जो मैंने बताई ईजीएसट कंट्रीज थोड़ी और भी हैं जैसे कि पोर्चुगल ईजीएसट है शेक्स रिपब्लिक ईजियर है और uh, इसके अलावा लगजमबर्ग जो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन फ्री है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री है तो वो भी एक वन ऑफ द इजीएस्ट कंट्रीज हैं और भी काफी सारी कंट्रीज हैं बट मेन मेन यही है गाइस और ये जो मैंने आपको बताया ये मोस्टली टूरिस्ट वीजा के लिए बताया है वर्क uh, वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा के लिए नहीं बताया है मैंने क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट आपके नीड और आपके यू you नो know, uh, जो भी आपके फाइनेंशियल uh, इनकम uh, या आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट आपके वर्क रिलेटेड स्टडी रिलेटेड है उनसे रिलेशन होता है तो ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको सिर्फ टूरिज्म के लिए बताया है सो गाई इस बात करते हैं कि कैसे आप यू you नो know, एक डिफिकल्ट शेंगेन कंट्री जा सकते हैं uh, अगर आप वहां का वीजा भी ना लगाओ आप तो भी कैसे जा सकते हो तो गाई देखिए ऐसा नहीं है कि बिना शेंगेन वीजा लगाए आप जा सकते हो शेंगेन वीजा तो आपको लगाना पड़ेगा लेकिन आप किसी इजिएस्ट कंट्री का लगवा सकते हो और फिर आप वो डिफिकल्ट कंट्री जा सकते हो जैसे कि मान लो आपने स्विट्जरलैंड जो ईजीएस्ट कंट्री है स्विट्जरलैंड का वीजा लगाया और आपको आप उस वीजा में ना दो तीन कंट्रीज भी घूम सकते हो अपनी ट्रिप दो तीन के आप ज्यादा भी घूम सकते हो तो आप स्विट्जरलैंड से इटली जा सकते हो स्विट्जरलैंड से फ्रांस जा सकते हो फ्रांस से आप नैदरलैंड जा सकते हो तो आप एक शेंगे वीजा से बहुत सारी कंट्रीज आप जा सकते हो मगर यू हैव टू रिमेम्बर एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपका एंट्री और एग्जिट वही कंट्री हो जिस कंट्री का आपका वीजा लगा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कई बार सबके डाउट्स होते हैं कि क्या हम एंट्री करें एक कंट्री से शेंगेन कंट्री से और एग्जिट कर लें दूसरी शेंगेन कंट्री से सो so गाइज ये नहीं होता है आप जिस कंट्री से एंट्री कर रहे हो आपको उसी कंट्री से एग्जिट करना है वापस इंडिया आने के लिए अगर आप किसी और कंट्री से आ जाते हो मान लो आपका स्विट्जरलैंड का वीजा लगा है और आप इंडिया आ रहे हो फ्रांस से पेरिस से आ रहे हो मान लो स्विट्जरलैंड के वीजा पे तो अगर अगर आपकी एंट्री भी हो गई आ, मान लेते हैं आपके एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन हो गया आपकी एंट्री भी हो गई लेकिन ना ये आपके फ्यूचर वीजा के लिए ठीक नहीं रहेगा सो इट्स बेटर कि जहां से आपका एंट्री हुआ है एग्जिट भी आपका वहीं से हो येट अगेन गाइज आई वुड से कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कंट्रीज इतनी मायने नहीं रखती हैं मायने तो रखती हैं लेकिन इतनी ज्यादा भी मायने नहीं रखती अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन यू uh, नो you know, खराब हो तो मतलब अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन खराब है तो आप किसी भी इजिएस्ट कंट्री का वीजा लगा लो नहीं लगेगा लेकिन तो आपको ना डॉक्यूमेंटेशन अपनी अच्छी करनी पड़ेगी आपको डॉक्यूमेंटेशन सही करनी पड़ेगी आपको उसमें कुछ गलत नहीं लिखना कुछ मिस आउट नहीं करना इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देनी आपको सारी डिटेल्स अच्छे से देनी है मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइज आपको अपना कवर लेटर और आइटनर ही अच्छे से बनाना है प्रोफेशनल बनाना है सारी डिटेल्स देनी है उसमें अगर आपको कवर लेटर और आइटेनरी में कोई मदद चाहिए कोई हेल्प चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी विद मिनिमम कॉस्ट आई कैन मेक अ प्रोफेशनल कवर लेटर एंड डिटेल्ड आइटेनरी फॉर यू यू कैन ई मेल मी ऑन सोलो ट्रेन बाईट जी मेल डॉट कॉम यू कैन ऑल्सो डी एम मी ऑन इंस्टाग्राम माई इंस्टाग्राम हैंडल इज आरुषी डॉट ट्रेवल्स आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही हो आपको अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं कोई भी कमेंट्स हैं या अगर आप You know, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर uh, करना चाहते हैं फील फ्री टू राइट अ कमेंट बिलो मैं सबको आंसर करती हूँ सबके रिप्लाई देती हूँ एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे हेड एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस और प्लीज प्रेस द बेल आइकन क्योंकि इससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे मेरे वीडियोज के, के ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस आउट ना करें